हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक धूप नहीं लगी है। यहाँ पे पीछे पहाड़ी पे भी नहीं लगी है क्योंकि आज चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। यहाँ पे तो ठंड बढ़ चुकी है तो इसलिए कोहरा लग चुका है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे की पहाड़ी पर वैसे धूप लग जाती थी 8 बजे तक, और यहाँ छत में 8:30 बजे आती है धूप, तो आज तो धुंध लगी हुई है। ये देख सकते हो आप अगस्त मुनि के गंगानगर में ऐसी धुंध लगी हुई है, और ये इधर दूसरी तरफ नदी के उस पार, मंदाकिनी नदी के उस पार भी यहाँ पहाड़ी पे कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और ये देख सकते हो आप। तो गाइस, शाम के 3:30 बज चुके हैं और ये लड़का जो है इसने अनडिसिप्लिन कार्रवाई करी है अभी, और फॉलिन की सीटी लगी तो ये अंदर ही सो रखे थे तो इनको पता चला नहीं, तो इसलिए इनके लिए स्पेशल लड़के भेज रखे थे अंदर। तो अब इनको थोड़ा पनिश किया जाएगा, तो इनको कंधों में लाया जा रहा है बाहर ग्राउंड में, और ये देख सकते हो आप, और ये चारों तरफ घुमा करके और आगे लाया जा रहा है इन दोनों लड़कों को। सीटी लगने के बाद भी ये अंदर सो रखे थे कमरे में, तो अब देख सकते हो आप कैसे इनको लाया जा रहा है दोनों को, और ग्राउंड में सुलाया जाएगा सबके सामने, और उसके बाद इनको थोड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा कुछ। और ये शानदार नज़ारा, हंसी मजाक सब चीज़ चलता रहता है यहाँ कैंप में, तो बहुत ही शानदार सा है कैंप में, और ये देख सकते हो आप। तो गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे होता है PT का टाइम, तो लड़के आगे निकल गए हैं ग्राउंड के लिए और मैं अब जा रहा हूँ पीछे से, तो अब PT ग्राउंड में चलते हैं, तो व्यू दिखाते हैं आपको PT ग्राउंड के कुछ। तो अब रनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये देख सकते हो आप किस तरीके से लड़के दौड़ रहे हैं, और अभी स्लो रनिंग रखी गई है अभी, और रनिंग के लगातार इनको 20 राउंड मारने हैं इस ग्राउंड के, 20 राउंड, यानी कि ये लगभग 200 मीटर का ग्राउंड है ये अगस्त मुनि का, जो ये फील्ड है जो कॉलेज के बगल में फील्ड है, तो इसके 20 राउंड यानी कि आपके 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर की दौड़ करेंगे ये पूरी कंप्लीट, और उसके बाद PT होगी इनकी स्टार्ट। तो ये देख सकते हो, और ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं रनिंग का, और ये शानदार PT चलती है शाम को लड़कों की रनिंग के बाद, क्योंकि ये फास्ट रनिंग सुबह हो जाती है इनकी, तो अभी सुबह शाम को स्लो रनिंग रखी गई है। और ये रनिंग के बाद आप देख सकते हो आप इनका थोड़ा फन टाइप का रनिंग है ये, तो ये आप देख सकते हो लड़कों की। और गाइज, अब PT स्टार्ट हो चुकी है, और ये बड्डी पेयर में ये PT स्टार्ट होती है, पहले एक अपने कंधे में ले आता है लड़के को, और उसके बाद जब एक का पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा ले जाएगा कंधे में अपने बड़ी को, तो ये बड्डी पेयर में ये PT होती है। तो ये आप देख सकते हो, इंडियन आर्मी में अगर जाना है तो वहाँ पर भी ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, कभी बड्डी, जो बड्डी होता है एक जोड़े में होता है, बड्डी का मतलब होता है कि दोस्त यानी कि, और ये बड्डी में रहते हैं, और ये देख सकते हो आप शानदार PT, और ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, ये आप दूसरी एक्सरसाइज देख सकते हो। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजें कराई जाती हैं, और ये मैं आपके सामने लाता रहता हूँ एक्सरसाइज जो कि लड़के करते हैं, तो इनको आप वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से आप अपने आप अपने घर में भी देख करके कर सकते हो। और ये PT समाप्त होने के बाद ये थोड़ा सा हनी हंसी होती है यहाँ पे, और ये आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से होती है, और ये फनी हंसी के बाद अब लाइन तोड़ की कार्रवाई हो रही है। तो इंस्ट्रक्टर प्रदीप रावत सर हैं यहाँ पे,
और ये लाइन तोड़ करवाते हुए पहले सीनियर को, उसके बाद सीनियर जयकारा करने के बाद उसके बाद लड़कों से लाइन तोड़ करवाएगा। और लाइन तोड़ किस तरीके से होता है ये आप देख सकते हो। जयकारा के बाद लगभग 10 तक 1 2 3 करके 10 तक आपको लेने होते हैं और उसके बाद एकदम से ग्राउंड छोड़ना होता है। जो ग्राउंड में दिखेगा उसको फिर पनिश किया जाता है। तो ये आप शानदार सा नज़ारा देख सकते हो। तो गाइज ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पे नए हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों।